दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि थंबनेल पर नज़र आ रहा है, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट परीक्षा 2021। अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम दिए हैं तो आपको रिजल्ट का इंतज़ार है, ठीक है। आप सभी को पता है कि 15 फरवरी को रिजल्ट आने वाला था सीटेट का, लेकिन अभी तक इस रिजल्ट का कहीं भी कुछ पता नहीं है। तो आज सीटेट की परीक्षा को लेकर एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, जो कि मैंने यहाँ आपके सामने रखा है, ठीक है। रिजल्ट एकदम क्लियर कट आज मैं बताने वाला हूँ कि आपका कब तक आएगा। फिलहाल के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट मैं हमेशा आपके सामने प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। देखिए, हमने पहले थंबनेल पर लिखा है कि सीटेट परीक्षा परिणाम को लेकर CBSE का बड़ा फैसला। आप सभी जानते हैं कि परिणाम को लेकर छात्र परेशान हैं। फिलहाल के लिए सीटेट जब कराया गया है तो जाहिर सी बात है रिजल्ट घोषित करना है। आप 5 से 6 दिन विलंब कर दिए हैं। आपको एक निर्धारित तिथि बतानी चाहिए कि हम रिजल्ट आपका इस तारीख को घोषित करेंगे, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ लिखा गया है 22/2/2022 की बड़ी अपडेट, यानी कि आज की जो अपडेट मैंने आपके सामने रखा है वह 22 फरवरी की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है सीटेट परीक्षा परिणाम को लेकर, ठीक है। आपका एक बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था, नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। देखिए, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया आपकी इस तरह से कराई जाएगी, जैसे आप पहले परीक्षा दिए थे और बाद में परीक्षा दिए थे, उस सभी को लेकर नॉर्मलाइजेशन के बारे में अभी मैं आगे स्पष्ट करूँगा। लेकिन उससे पहले मैंने नीचे लिखा है, बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ आपको इस परिणाम को दिखाऊँगा कि आज का लेटेस्ट अपडेट क्या आया है, ठीक है। तो चलिए देखिए, आपके सामने अपडेट रखी जा रही है, आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से लिखा गया है सीटेट का परिणाम फंसा छात्र मुखर। भैया जाहिर सी बात है, जो लोग परीक्षा दिए थे उनको परिणाम का इंतजार है। आप 15 फरवरी को कहे थे परिणाम घोषित करने के लिए, लेकिन आज तो 22 तारीख हो गया, 22 तारीख की डेट तक आपने परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं किया। कहीं ना कहीं आप भी लापरवाही की श्रेणी में आ रहे हैं, ठीक है। वहीं अगर हम यूपी टेट की बात करें तो यूपी टेट आपकी 23 जनवरी को कराई गई थी, और इस 23 जनवरी के बाद आपका रिजल्ट जो है 25 फरवरी को घोषित किया जाएगा। आप जरा सा सोच लीजिए, आप यूपी टेट से भी पिछड़ते हुए जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, इसमें कहा गया है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट का परिणाम को लेकर अभ्यर्थी परेशान हैं। केंद्रीय स्कूल शिक्षा बोर्ड CBSE की ओर से जारी सूचना के मुताबिक 15 फरवरी तक परिणाम घोषित हो जाना था, लेकिन 6 दिन बाद भी रिजल्ट के संबंध में कोई सूचना नहीं है। अभ्यर्थी ट्विटर पर भी सीटेट का परिणाम घोषित न होने पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि या तो परिणाम घोषित हो या फिर CBSE की तारीख को सार्वजनिक करें। कहने का मतलब यह है, विद्यार्थियों का कहना है, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं, उनका कहना है कि अगर आप परिणाम नहीं जारी कर पा रहे हैं तो आप उस परिणाम को कब जारी करेंगे, उस डेट को आप सार्वजनिक करें, क्योंकि विद्यार्थी अच्छा खासा परेशान दिख रहे हैं इस रिजल्ट को लेकर। आगे कहना है कि छात्र प्रभात तिवारी, इन सभी को आप देख पा रहे हैं, कहना है कि सीटेट बहुत बाद 23 जनवरी को यूपी टेट कराई गई थी, उसका परिणाम 25 फरवरी को प्रस्तावित है। ऐसे में केंद्रीय बोर्ड की तरफ से देरी समझ से परे है। उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती में सीटेट भी मान्य है। मान्य होने के कारण भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इसमें सम्मिलित होते हैं। प्रयागराज से ही 40,000 से अधिक अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे। देखिए, आप इस कॉलम में देख सकते हैं, यह कॉलम जो आपके सामने नज़र आ रहा है, इसमें कहा गया है कि पहली बार ऑनलाइन हुई थी परीक्षा। आपको पता है कि पहले आप परीक्षा ऑफलाइन मोड में होती थी, लेकिन यह पहली बार ऑनलाइन मोड में परीक्षा कराई गई है। इस कारण से रिजल्ट थोड़ा सा विलंब हो रहा, लेकिन इतना भी विलंब नहीं करना चाहिए। देखिए, कहा गया है कि सीटेट पहली बार कंप्यूटर बेस्ड यानी CBT के माध्यम से कराई गई थी। परीक्षा कई चरणों में 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक कराई गई। हालांकि तकनीकी कारणों से 2 दिन परीक्षा टालनी पड़ी थी और कई शिफ्ट का पेपर निरस्त भी करना पड़ा था। माना जा रहा है इसी वजह से परिणाम आने में देरी हो रही है। हालांकि इस संबंध में CBSE ने अभी अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। बोर्ड ने पहली बार नॉर्मलाइजेशन का निर्णय लिया है, ऐसे में प्रतियोगी छात्र स्केलिंग के लिए को लेकर
भी काफ़ी चिंतित है। स्केलिंग में नंबर घटने या बढ़ने पर भी बॉर्डर पर रहने वाले छात्र अपनी सफलता के प्रति संदेह जता रहे हैं। यानी कहने का मतलब यह है, आप सभी को मैंने अभी बताया कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कैसे क्या होगी, ठीक है। जैसे अगर जो भी बालक, अगर जैसे आप 82 नंबर की श्रेणी में हैं या 90 नंबर की श्रेणी में हैं, ठीक है, तो आप यह मान के चलिए 82 नंबर वाला तो जाहिर सी बात है पास होगा। लेकिन अगर इसके इर्द गिर्द में जैसे हम बात करें 80 नंबर या 88 नंबर की अगर हम बात करें, इन सभी के श्रेणी में अगर जो बालक होगा, अगर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है तो जाहिर सी बात है वह पास होने की श्रेणी में है। लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है तो वह पास नहीं होगा, ठीक है। उम्मीद है कि सारी बातें आप समझ रहे होंगे। देखिए, नॉर्मलाइजेशन जैसे पहले शुरू और अंत के पेपर को मिलाकर कराया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन 100% सत्य है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आपकी बार के पेपर में कराई जाएगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आई होंगी। कहीं दिक्कत है, कन्फ्यूजन है तो आप कॉमेंट कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।